प्रतापगढ़ में बिजली विभाग में कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों ने सोमवार को अनशन शुरू कर दिया। जिले के सभी कर्मचारी अपनी 18 मांगों को लेकर अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर 48 घंटे तक धरने पर बैठ गए। राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ के बैनर तले शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर तकनीकी कर्मचारियों का आंदोलन शुरू हुआ। कर्मचारियों द्वारा शीर्ष ऊर्जा प्रबंधन के तानाशाही रवैये और अन्यायपूर्ण नीति के विरुद्ध चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है। संघ के पूर्वांचल प्रभार सचिव भास्कर पांडे ने बताया है कि संघ के शीर्ष निर्देश पर सभी जिला मुख्यालय पर चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि विभाग में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने वाले टेक्नीशियन संवर्ग उपेक्षा का शिकार हैं। प्रबंधन यदि अपनी हट धर्मता नहीं छोड़ता है तो अमरण अनशन के साथ ही जेल भरो आंदोलन भी किया जाएगा। प्रबंधन को जो है इस मांग की जो है पूरी जो है दे दी गई है और उसके बाद जो है हमारा इसमें वेतन संगति है, समय बद्धमान वेतन है और प्रमोशन को लेके है और साइकिल भत्ता वगैरह ये सब है, पेट्रोलिंग भत्ता है। ऐसे 18 सूत्री मांग जो है हमारे कॉरपोरेशन को जो है संज्ञान में है और निरंतर हम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। आज 45वां दिन है हमारा धरना प्रदर्शन होते हुए और चरणबद्ध हमारा आज 7वां चरण धरना का है और जिसमें जो है प्रबंधन की तरफ से कोई उचित निर्देश दिशा निर्देश नहीं मिल रहे हैं और वो हमारी मांगों को अनदेखा कर रहे हैं, जिसके लिए आज हमारा यहाँ 2 दिन का क्रमिक अनशन चल रहा है। क्या मांगे हैं आपकी? अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो फिर आगे का क्या प्लान? मुख्य रूप से हम लोगों के वेतन विसंगति, आमेलन, समयबद्ध वेतनमान और ग्रेड पे से संबंधित निम्न 18 सूत्री मांग पत्र है, जिसके संबंध में हम लोग आंदोलन लगातार 1 महीने से कर रहे हैं। 6 चरण हमारा बीत चुका है, आज 7वां चरण चल रहा है। 8वें चरण में हम लोग 29 तारीख से लगातार 3 तारीख तक हमारा कार्यक्रम चलेगा, जिसमें 29 तारीख को हम लोग प्रतापगढ़ में कार्यक्रम में शामिल होंगे, 30 तारीख को हमारा कार्यक्रम लखनऊ में है शक्ति भवन पे, 30 तारीख के बाद हम लोग 1, 2, 3 लगातार यहीं पे अपने कार्यक्रम का संचालन करेंगे और यहीं पे अपना धरना देंगे अगर हम लोगों की डिमांड पूरी नहीं की जाती है। इंडिया पोस्ट न्यूज़ के लिए प्रतापगढ़ से देवानंद शुक्ला की रिपोर्ट।